खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। अदालत से मिले इंसाफ से एक वकील इतना खफा हुआ कि वो जज पर भी भड़क उठा। इस वकील ने जज को कहा कि जा तुझे कोरोना वायरस लग जाए। जस्टिस महोदय जब फैसला सुना रहे थे तो वो लगातार इस वकील को चुप रहने को कह रहे थे, लेकिन ये वकील लगातार भड़क रहा था और श्राप दे रहा था कि उनका भविष्य अंधकारमय हो जाए और उन्हें कोरोना वायरस लग जाए। दरअसल ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट का है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वकील के इस तरफ की बात कहने से नाराज जज ने उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की सिफारिश की है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से 15 मार्च के बाद से कलकत्ता हाईकोर्ट में सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही थी, वहीं 25 मार्च के बाद से ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने में असफल रहने और महान पेशे के सदस्य के रूप में काम नहीं करने को लेकर चेतावनी दी। साथ ही जज ने 2 हफ्तों के अंदर वकील को अवमानना नियम का जवाब देने का निर्देश भी दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।